कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से भारत सरकार ने टेहरी पटरी पर काम करने वाले गाड़ी वालों के लिए स्कीम काढ़ी, जिसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इसमें नए चेंजेस आ चुके हैं। अब ये योजना 1 लाख तक मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र में जाना होगा और टाइप करना होगा पीएम स्वनिधि। अब सबसे पहले ब्राउज़र को डेस्कटॉप कर दीजिए और इसके बाद जैसे ही आप पीएम स्वनिधि टाइप करेंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा। यदि आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट आएगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना। इस वेबसाइट का मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली भी इस लिंक पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर आपको लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही में अप्लाई फॉर LOR का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान में करीब 4,66,000 एप्लीकेशन अभी तक दर्ज की जा चुकी है, जिसमें सिर्फ 85,451 लोगों को वर्तमान में लोन मिल भी चुका है। इस लोन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको इस योजना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बता देता हूं। इस लोन को लेने के लिए कोई भी छोटा उद्यमी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वह किराने की शॉप चलाता हो या फिर खाने पीने की वस्तुएं बनाता हो या फिर चाहे चाय या फल वाला हो या फिर सब्जी वाला। यह वेबसाइट खास करके छोटे दुकानदारों के लिए है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ₹10,000 तक का ही लोन ले सकते हैं। और वहीं अगर आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको हम यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट दिखा रहे हैं, जिसका URL भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, SBI ई मुद्रा PM स्वनिधि योजना लोन। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से आप ₹1,00,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ कि आप अधिकतम ऋण ₹1,00,000 का ले सकते हैं और वह भी लोन यहाँ पर 5 सालों के लिए दिया जाता है। और अगर आप ₹50,000 तक का लोन लेते हैं तो उसमें आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती और ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। और 50,000 से ऊपर अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक में एक बार विजिट करना पड़ता है। तो अगर आप ₹10,000 से ज़्यादा का लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप SBI के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार संख्या या सारी डिटेल आपको शेयर करनी है। तो हम यहाँ पर आज पीएम स्वनिधि योजना के पोर्टल के माध्यम से ₹10,000 तक का जो लोन दिया जाता है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर लोन। आपको लोन को अप्लाई करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ पर एक ऑप्शन और देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर LOR। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल आप सभी को तब करना होता है अगर आपके पास में स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस नहीं है और आपने अभी जल्दी में वेंडिंग का काम स्टार्ट किया है या फिर आपका सर्वे में नाम शामिल नहीं किया गया है। तो आप यहां पर अप्लाई फॉर LOR के ऑप्शन पे क्लिक करके स्ट्रीट वेंडिंग की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और साथ ही में आपको यहां पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको आप इस लोन के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं और आपको अदर जो बेनिफिट नगर निगम की तरफ से दिया जाता है उन बेनिफिट को भी आप हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है I am not robot, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट OTP का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर एक 1-time पासवर्ड भेजा गया होगा, इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद में वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पोर्टल ओपन होने के बाद में लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की एक टैब डिस्प्ले हो जाती है, जहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप पे जो भी लागू है आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास में स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस है अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा जो जारी किया जाता है, अगर आपके पास में है तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को फिल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको SRN नंबर फिल कर देना और उसके बाद में सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम सर्वे लिस्ट में शामिल किया गया है और आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, लिस्ट में नाम आपको पता है शामिल किया गया, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है, कहाँ पर लिखा हुआ है डोंट हैव SRN नंबर, तो आपको यहाँ पर फाइंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप फाइंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि स्ट्रीट वेंडिंग का काम आपने सर्वे के बाद में स्टार्ट किया और आपके पास में कोई भी वेंडिंग लाइसेंस नहीं है, तो अगर आपके पास में कोई भी वेंडिंग लाइसेंस नहीं है तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। और यहीं पर जो फोर्थ ऑप्शन है, जहाँ पर आप अगर किसी छोटे भी शहर से आते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में वेंडिंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी किया गया है, तो चूज़ करने के बाद में यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आपको रिकमेंडेशन लेटर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में रिकमेंडेशन लेटर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन लेटर अनिवार्य है अब इस लोन को लेने के लिए। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर भी आप इसी वेबसाइट के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही होम पेज पर आते हैं, वहाँ पर येलो आर को अप्लाई करने का जो ऑप्शन है, उसके माध्यम से रिकमेंडेशन लेटर आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 15 डेज में आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपका सर्वेक्षण में नाम शामिल किया गया, तो यहाँ पर आपको फाइंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको सर्वे में नाम सर्च करने की विंडो आ जाती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको अर्बन लोकल बॉडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको अपनी अर्बन लोकल बॉडी को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपके पास में वेंडर आईडी कार्ड मौजूद है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी वेंडर्स के नेम आ जाते हैं, साथ ही उनकी जो आईडी है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है पोर्टल पे जो दर्ज है पहले से, आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल को देख लेना है, आपको सही लगे आपकी ही डिटेल है और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर को फिल करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करने के बाद में आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार की तरफ से आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, इसको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद में दिए गए वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आधार आपका वेरीफाई हो चुका है, आपको एक ग्रीन कलर का मैसेज दिखाया गया है। साथ ही में आपके आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज थी, आपका नेम, मोबाइल नंबर या सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फिल होकर के आ जाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना है, जो चीज़ें यहाँ पर इम्प्टी हैं, फिल नहीं है, उन कॉलम में आपको अपनी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे फादर नेम फिल नहीं है तो हम फिल कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पे आ जाना है, तो यहाँ पर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर देना है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर, मे फिम है, जेंडर ऑटोमेटिक ही फिल है पहले से, आपको यहाँ पर आ जाना है सोशल कैटेगरी के ऑप्शन में। यहाँ पर आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में आपको नेटिविटी का ऑप्शन मिलता है, तो आपसे यहाँ पर बताना है कि आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं या फिर आप अर्बन क्षेत्र में रहते हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आप रूरल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप शहर के निवासी हैं तो आप अर्बन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है PWD, तो आप यहाँ पर तभी इसको एक्टिवेट करेंगे अगर आपके पास में किसी भी तरीके की विकलांगता है। और यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका आधार नंबर पहले से फिल है, आपको यहाँ पर वोटर आईडी को फिल करना है। तो यहाँ पर वोटर आईडी को फिल करने के बाद में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या भी डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आता है, तो अगर आपके पास में यह डिटेल मौजूद है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यह दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डू यू हैव फैमिली, तो अगर आपके फैमिली में फैमिली मेंबर्स हैं, अदर लोग भी आप पे आश्रित हैं, तो वहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आपको सेलेक्ट कर देना है कितने लोग आपके फैमिली मेंबर हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज करिए तीन लोग हैं तो तीन क्लिक करेंगे, तीन लोगों की डिटेल फिट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है और उनसे क्या रिलेशन है और उनकी जो एज है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल को शेयर करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर एड्रेस फॉर KYC, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है जहाँ के आप निवासी हैं, जो आपके आधार कार्ड पर दर्ज है, वह पता आपको फिल करना है। यहाँ पर वह ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड से डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर करंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके यही एड्रेस यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे शहर में वेंडिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लोकेशन है, आप जहाँ पर आप रहते हैं वर्तमान में, आप वह एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आप रहते हैं तो उसका हाउस नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट कोड टाइप कर देना है, इसके बाद में टाउन के ऑप्शन में आपको शहर का नाम सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर वार्ड और विलेज का नाम टाइप करने का ऑप्शन आता है, तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर वार्ड टाइप कर सकते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप यहाँ पर अपने विलेज का नाम ही टाइप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी के ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, जिस भी तरीके का आप बिजनेस करते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस करते हैं, या फिर आप फूड आइटम्स बेचते हैं, या किचन के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ब्यूटी एंड फैशन एसेसरीज को सेल करते हैं तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में प्लेस ऑफ लोकेशन के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो दुकान है वो अब एक जगह पे फिक्स्ड है या फिर आप किसी भी जगह पर जा करके मूवमेंट करके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम फिक्स्ड लोकेशन में हैं तो फिक्स्ड सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि वेंडिंग आप कब से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको वेंडिंग लोकेलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको बताना है किस लोकेशन में आपकी शॉप मौजूद है, जहाँ पर अगर बैंक का कोई भी कर्मी चाहे तो विजिट करके वेरीफाई कर सके। इसके बाद में नियरेस्ट लैंडमार्क का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपके आसपास में कोई भी फेमस बिल्डिंग है जहाँ से पहचान की जा सके तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको स्टेट के ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर जिस भी स्टेट में आप वेंडिंग करते हैं सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको टाउन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी के ऑप्शन में आकर के अपनी नगर पंचायत को सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हमने लखनऊ सर्च किया है तो लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ चुका है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप कर देना है। और उसके बाद में नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी एवरेज मंथली सेल क्या है। तो यहाँ पर हम जैसे 50,000 रुपये का प्रोडक्ट मंथली सेल करते हैं तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको ब्रांच टाइप कर देना है, यहाँ पर आपको अपना FSO कोड टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना बैंक खाता नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हमने बैंक डिटेल को फिल कर दिया है। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप अपनी शॉप पे डिजिटली पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर आप UPI ID को फिल कर सकते हैं। साथ ही में आपके शॉप पर जो भी QR कोड या बार कोड गूगल पे या फोन पे के द्वारा दिया गया है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका बेनिफिट भी मिलता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इस पर भी आपको रिवार्ड देती है, आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता रहता है। और उसके बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई भी पुराना लोन चल रहा है वो कितना अमाउंट है, कितना आउटस्टैंडिंग है और कितने मंथ की EMI बाकी है। तो यहाँ पर आपको डिटेल अगर कुछ भी ऐसा है तो फिल कर देना, अगर कोई भी लोन नहीं है तो इसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में बताना है कि आपको कितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से केवल 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये टाइप करना है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये हमने टाइप कर दिए हैं। इसके बाद में नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कुछ लोकल रेफरेंस के बारे में, यहाँ पर आपको बताना है आपके आसपास के जो पड़ोस के लोग हों जो आपको पहचानते हों, यहाँ पर उनका नेम फिल कर देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है। लोकल रेफरेंस के ऑप्शन में डिटेल को फिल करने के बाद में पेज को जब आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर इस योजना के अलावा कोई भी अदर योजना में आपको लाभ मिल रहा है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान भारत योजना, बहुत सारी यहाँ पर योजनाएँ दी गई हैं, अगर आप बेनिफिट हासिल कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट योजना का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको नन ऑफ अबव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पेज पर आप आ चुके हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट का जो फोटो है आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ही आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपका देखेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का एक सर्टिफिकेट है, वह भी जनरेट किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है, साथ में यहाँ पर वोटर आईडी को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जिस भी लोकेशन में आपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करके रखा हुआ है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे हमने एड्रेस प्रूफ को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर वोटर आईडी का ऑप्शन दिया गया, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको जिस भी लोकेशन में आपने वोटर आईडी को सुरक्षित करके रखा हुआ है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने वोटर आईडी को भी अपलोड कर लिया है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सैप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सैप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, पहला ऑप्शन है जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है आपको लोन देने के लिए जो भी बैंक गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित किए गए वह बैंक आपको खुद से कॉन्टेक्ट करें या फिर आप कोई स्पेसिफिक बैंक है जिसके माध्यम से आप लोन लेना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बैंक आपको लोन दे, किसी भी बैंक के द्वारा आपको लोन मिल जाए तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक बैंक है जिसके माध्यम से आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक
के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे हम पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो हम पंजाब नेशनल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आप जिस भी ब्रांच के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम जैसे हजरतगंज ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस बैंक के द्वारा हमें कांटेक्ट किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई भी बैंक आपको लोन दे दे तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक रहने देना और इसके बाद में यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे दिए गए सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि जो आपकी एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो चुकी है और आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है यहां पर मिल जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद में आपको यहां पर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ जब भी लोन आपका सेंशन होगा किस बैंक के द्वारा आपको लोन दिया गया है यहाँ पर सारी डिटेल को आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरीके से आप घर बैठे ही लोन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से विद इन 15 डेज के अंदर लोन मिल जाता है। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल है या किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।